सुप्रभात मित्रों, मैं इंजीनियर सक्षम गुरुकुल ई स्कूल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कुछ मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। मस्तिष्क में खून का थक्का जमने और बाद में कोरोना संक्रमित पाए गए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर बनी हुई है। स्वतंत्रता दिवस पर सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिशों के बीच DGP ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। कल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। बेंगलुरु में कल एक फेसबुक पोस्ट को लेकर समुदाय विशेष के लोगों की वजह से हिंसा भड़काई गई, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई व 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। हिंसक भीड़ ने सैकड़ों गाड़ियों व आरोपित कांग्रेसी विधायक के घर आदि को आग लगा दी। लद्दाख में LAC पर नज़र रखने के लिए HAL द्वारा निर्मित 2 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रात में भी दुश्मनों को देखकर ढेर कर देंगे। दक्षिण कश्मीर में पुलवामा के मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी आजाद ललहारी मारा गया। इस मुठभेड़ में 2 जवान जख्मी व जौनपुर निवासी 1 जवान जिलाजीत यादव शहीद हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद के परिवार को 50 लाख रुपये व 1 नौकरी देने की घोषणा की है। भारत सरकार करदाताओं में भरोसा बढ़ाने के लिए ईमानदार करदाताओं के लिए आज कई घोषणाएं करने जा रही है। इसमें प्रधानमंत्री आज एक ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेंगे। 2020 विश्व कप क्रिकेट 2021 में भारत की मेजबानी न कर पाने की दशा में UAE या श्रीलंका में यह आयोजन होंगे। ICC ने टूर्नामेंट के लिए बैंक वेन्यू मानक प्रोटोकॉल के अनुसार ही इन देशों को बैकअप में रखा हुआ है। कल देश में कोरोना के 63,900 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं व कुल मामले 23,33,000 के पार पहुंच गए हैं। उधर देश में टेस्ट की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। देश में कल कुल 7.33 लाख टेस्ट किए गए हैं। कल के कुछ मुख्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए गुरुकुल ई स्कूल के साथ। धन्यवाद।